क्या आपको पता है कि हम लोग अपने पूरे जीवन काल में कितना खाना खा जाते हैं। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें सैमसंग, मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला के लोगों की, तो इसके पीछे का क्या साइंस है जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लोगों में ऐसे कलर का इस्तेमाल करती है। यदि हम लोग बात करें इंसान की, तो इंसान बूढ़ा क्यों हो जाता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और क्या आपको पता है कि एवेंजर्स एंड गेम मूवी जो सभी लोगों ने देखी है, उसका फेमस डायलॉग आई लव यू 3000 का भी एक रीजन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग ऐसे फैक्ट्स कुछ जानोगे कि आपका रिएक्शन भी इसी तरह होने वाला है। ओह माय गॉड। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों एक इंसान जो है वह अपनी औसतन जिंदगी में यानी जितना वह जीता है तब तक वह लगभग 35 टन भोजन खा चुका होता है, मतलब लगभग 35,000 किलो भोजन जो है वह खा चुका होता है। फैक्ट नंबर टू, रतन टाटा जो है यह ऐसे फेमस इंसान है जो अपनी कमाई का 65% हिस्सा जो होता है वह गरीबों में दान कर देते हैं। यदि वह 65% हिस्सा अपना गरीबों में दान ना करे तो होगा यह कि वह दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे, पर वह ऐसा नहीं करते। वह अपनी इनकम का 65% हिस्सा जो है वह गरीबों में ही दान कर देते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि सबसे कम उम्र में अरबपति बनने वाला इंसान कौन था? जी हाँ दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग जो एप्पी के फाउंडर हैं, वह 23 साल की उम्र में ही अरबपति बन गए थे, जो सबसे कम उम्र में अरबपति बनने वाले पहले इंसान है। दोस्तों महाराणा प्रताप भारत के ऐसे महान योद्धा हैं जो अपने साथ इतना सामान रखते थे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों महाराणा प्रताप का कद 7 फुट 5 इंच था, साथ ही साथ वह अपने साथ भाला, 2 तलवार और कवच रखते थे। उनके भाला का वजन 80 किलो, 2 तलवार एक अपने लिए और एक निहत्ते दुश्मन के लिए, उन दोनों तलवार का वजन यदि हम लोग टोटल करें तो 208 किलो, साथ ही साथ जो कवच था वह 72 kg का है, मतलब यदि हम लोग टोटल बात करें तो 360 किलो वह साथ में रखकर लड़ाई लड़ते थे। तो महाराणा प्रताप ऐसे महान योद्धा में से एक है जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों कोरोना वायरस के पहले दिन हम लोग बात करें तो भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर दोस्तों यदि हम लोग देखें तो दुनिया में सभी जगह कोरोना वायरस जो है यह तबाही फैलाया हुआ है, तो इसी वजह से कोई भी देश वाले एक दूसरे देश की मदद नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से यदि हम लोग बात करें तो मेडिकल सुविधा पक्का करना भारत का भी फर्ज बनता है, इसलिए भारत ने भी पीपीई किट बनाने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों यदि हम लोग बात करें पर डे की, तो पर डे भारत में भी 2 लाख पीपीई किट का उत्पादन किए जाने लगा है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों गूगल का जो हेडक्वार्टर है उसके बगीचे में जो घास लगती है वह गूगल वाले कटवाते नहीं है, उसके लिए वह कैलिफोर्निया ग्राजिंग नाम की एक कंपनी है वहां से 200 बकरियां मंगवाते हैं और उन बकरियों को उनके बगीचे में छोड़ देते हैं, जिससे होता यह है कि बगीचे में वह बकरियां घास को खाती है जिससे उनका भी पेट भर जाता है और घास भी जो है वह छट जाती है। तो ऐसा करते हैं गूगल के हेडक्वार्टर में। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जो पानी का पता 5 किलोमीटर दूर से ही लगा लेता है, मतलब यदि उसे पानी का पता करना है तो 5 किलोमीटर दूर से ही उसे पानी का पता हो जाता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों पूरी दुनिया में यदि हम लोग बात करें सुअरों की संख्या की, तो सबसे ज्यादा सुअर है, मतलब 50-60% जो हिस्सा है सुअरों का वह चीन देश में पाया जाता है। बात करें सुअर के इंटरेस्टिंग फैक्ट की, तो दोस्तों इस सुअर से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि सुअरों का शारीरिक बनावट ऐसी होती है जिसकी वजह से वह आकाश को नहीं देख पाते। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों छींकते वक्त होता यह है कि हमारी जो पलके है वह बंद हो जाती है। एक मिथ यह जुड़ा हुआ है कि हमारी पलके इसलिए बंद होती है क्योंकि छींक का प्रेशर इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से हमारी आंखें जो है यह पुतलियों से बाहर आ सकती है। दोस्तों यह फैक्ट जो है यह बिल्कुल गलत है। इसका रियल रीजन यह है कि ट्राइजेमिनल नर्व जो है यह हमारे दिमाग से कनेक्ट होती है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। होता यह है कि जब भी हमें छींक आती है तो हमारे दिमाग को संदेश जाता है और यह संदेश ट्राइजेमिनल नर्व के द्वारा पलकों तक भी पहुंचता है, इसी की वजह से दिमाग संकेत देता है और हमारी पलकें छींकते वक्त बंद हो जाती है। दोस्तों छींकते वक्त एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि छींकते वक्त हमारा दिल जो है यह 1 मिलीसेकंड के लिए रुक जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कई लोग छींकने के बाद गॉड ब्लेस यू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वह इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारा दिल जो है यह 1 मिलीसेकंड के लिए रुक जाता है, मतलब हम लोग लगभग मौत से बचकर निकलते हैं। फैक्ट नंबर 10, भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदाने की परंपरा है। दोस्तों इसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यदि हम लोग साइंटिफिक रीजन की बात करें तो दर्शन शास्त्री कहते हैं यह इसलिए किया जाता है कि इससे हमारे सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, मतलब हम लोग अच्छे से सोच पाते हैं। यदि हम लोग बात करें डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों का इसके पीछे कहना है कि यह जो कान है इससे जुड़ी हुई हमारे दिमाग तक एक नस जाती है, जब यहाँ पे हम लोग छेद करा लेते हैं तो इससे होता यह है कि हमारा दिमाग अच्छे से वर्क कर पाता है, मतलब हमारी सोचने की शक्ति अच्छे से बढ़ जाती है। साथ ही साथ हमारी इस नस में ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी का भी अच्छे से मेंटेन रहता है, तो इसलिए डॉक्टरों का कहना है कि यह इस वजह से कराया जाता है।
फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आप लोगों ने महिलाओं और पुरुषों को अक्सर देखा होगा कि वह माथे पर कुमकुम लगाते हैं, पर इसका रीजन क्या है, चलिए इसके बारे में भी जानिए। दोस्तों साइंटिफिक रीजन यह है कि हमारे माथे से जुड़ते हुए हमारे दिमाग तक एक नस जाती है। इस नस में जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं, जब हम लोग कुमकुम लगाते हैं, तो हमारे अंगूठे या उंगली से एक प्रेशर जनरेट होता है। जब इस नस पे प्रेशर जनरेट होता है तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और होता यह है कि यहाँ पर प्रेशर अच्छा जनरेट होने से यहाँ की ऊर्जा भी जो है यह बढ़ती जाती है और हमारी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों आपने टाटा सुमो गाड़ी के बारे में सुना होगा, पर सुमो नाम इसका क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक रीजन है। दोस्तों टाटा के MD सुमंत मूलगावकर एक ऐसे MD थे जो बहुत डेडिकेट थे टाटा के लिए। वह अपने दोपहर का खाना जो है वह ढाबे पे खाया करते थे। इसका रीजन यह है कि ढाबे पर आपको पता है कि ट्रक ड्राइवर लोग जो है यह खाना खाते हैं, तो वह उनके बीच में जाकर खाना खाने से उन्हें पता यह चलता था कि ट्रक के एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स है वह क्या है। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उसके MD और CEO करते यह है कि वह आम नागरिकों के बीच में जाते हैं, जिससे उनको उनकी बेसिक प्रॉब्लम पता चलती है और उस बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके वह कंपनी को बहुत अच्छा ग्रो कर पाते हैं। वैसा ही MD सुमंत मूलगावकर भी करते थे, जो लोगों के बीच जाते थे और उनके आपस की जो समस्या है ट्रक से जुड़ी हुई उसको जानते थे और ट्रक को और बेटर करने की कोशिश करते थे। जैसे जब सुमंत जी की मौत हुई तो उनको श्रद्धांजलि के रूप में टाटा सुमो इस गाड़ी का नाम रख दिया। तो यह एक रोचक किस्सा है जिसके बारे में आपको भी जानना जरूरी है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों कोरोना वायरस जो है आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आप लोग कोरोना बियर के बारे में भी जानते होंगे। कोरोना बियर के निर्माताओं के द्वारा कहना है कि कोरोना का जब मामला दुनिया में फैला, लोगों ने समझा कि जो कोरोना वायरस है यह कोरोना बियर से ही फैल रहा है। इसकी वजह से उनकी कंपनी को 1,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों आप जब रोड पर सफर करते हैं तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि रोड के किनारे हमें माइलस्टोन दिखाई देते हैं, जिसमें हमें किलोमीटर तो दिया होता है जहां हम लोग जा रहे हैं, उसका डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाता है और डिस्टेंस भी वहां पे शो होता है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि इन पत्थरों के ऊपर कुछ कलर भी पुते होते हैं। तो इन पत्थरों पर कलर जो पुते हुए होते हैं उसका क्या रीजन है, चलिए इसके बारे में जानिए। दोस्तों आपको पत्थर पर हरा रंग दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि यह जो रोड है यह स्टेट हाईवे की है, मतलब यह जो रोड पे आप सफर कर रहे हैं वह स्टेट हाईवे है और इस रोड का निर्माण स्टेट ने कराया हुआ है। तो जो भी रोड का निर्माण स्टेट वाले करवाते हैं वह स्टेट हाईवे है। माइलस्टोन पर ग्रीन कलर का पेंट पोत दिया जाता है। यदि आपको माइलस्टोन पर पीला रंग दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि वह जिस रोड पर आप सफर कर रहे हैं वह नेशनल हाईवे के अंतर्गत आती है। उस रोड का निर्माण गवर्नमेंट ने करवाया है, सेंट्रल के द्वारा उस रोड का निर्माण किया गया है। तो जिस भी रोड का निर्माण सेंट्रल करती है उस रोड के माइलस्टोन पर आपको पीला कलर का रंग पुता हुआ दिखाई देता है। यदि आपको माइलस्टोन पर ब्लैक कलर का रंग दिखाई दे तो वह रोड जो है वह बड़े डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रही है या कोई डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रही है। जिस भी रोड का निर्माण डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया जाता है उस रोड पे माइलस्टोन पे आपको ब्लैक कलर का रंग देखने को मिलता है। यदि हम लोग बात करें, यदि आपको माइलस्टोन पर रेड कलर दिखाई देता है तो रेड कलर का मतलब है कि जिस रोड पर आप लोग सफर कर रहे हैं वह एक रूरल रोड है। जब आप लोग देखते होंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो रोडें बनाई जाती है वह रोड रेड कलर के माइलस्टोन से संकेत में लाई जाती है। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम लोग बूढ़े होने लगते हैं। तो आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठता होगा कि हम लोग बूढ़े क्यों होते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों होता यह है कि हमारी बॉडी में जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं, जो अंग होते हैं, वह धीरे धीरे वर्क करना कम कर देते हैं और इनकी वजह से हमारी बॉडी में सेल्स भी कम बनने लगते हैं। आप लोग देखते होंगे कि आपकी स्किन पे जो ग्लो होता है वह सेल्स की वजह से ही होता है। जब आपकी बॉडी के पार्ट्स ही काम करना बंद कर देंगे, धीरे धीरे वर्क करना कम कर देंगे, तो यह सेल्स भी कम बनेंगे, जिसके आपकी बॉडी में जो फेस पे ग्लो है वह कम होने लगेगा, आपकी स्किन पर झुर्रियां पैदा होने लगेगी, जिससे आपका शरीर जो है यह बूढ़ा देखने लगेगा। यदि हम लोग बात करें दोस्तों सेल्स के अलावा, तो हमारी बॉडी में सेल्स के अलावा इम्यून सिस्टम भी जो है, हमारी इम्यूनिटी भी जो है वह कम होने लगती है, जिसकी वजह से भी हम लोगों को बूढ़ापन दिखाई देने लगता है। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों एक चीता जो है वह अपनी फुल स्पीड पर जब दौड़ता है तो उसकी बॉडी का 80% जो हिस्सा होता है रनिंग करते वक्त वह हवा में ही फ्लोट करता है, सिर्फ 20% हिस्सा जो है वह उसकी बॉडी का जमीन पर टच करता है, तो इतनी स्पीड में चीता दौड़ता है। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों आप लोग देखते हैं कि अर्थ जो है यह गोल है, पर क्यूरियोसिटी में एक सवाल जरूर उठता होगा कि कोई तो एक ऐसा किनारा होगा जहां पर यदि हम लोग जाए तो वह हमें अर्थ का लास्ट बिंदु दिखाई दे, पर ऐसा हम लोग देख नहीं पाते। आपको एक इमेज में दिखा रहा हूँ, यह इंग्लैंड की है, सुसेक्स एक जगह है। दोस्तों यह एक ऐसी रोचक जगह है, यदि आप वहां पर जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि यह पृथ्वी का सबसे लास्ट बिंदु है। यह एक ऑसम इमेज है जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि यह सबसे लास्ट बिंदु है अर्थ का, तो ऐसी ऑसम प्लेस भी इस धरती पर मौजूद है। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि धरती की सारी ऑक्सीजन को यदि हटा दिया जाए
तो क्या होगा? यदि हम लोग धरती पर 5 मिनट के लिए पूरी तरह से ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इस दुनिया में वह सभी राख के रूप में बन जाएगी, मतलब राख में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि हम लोग धरती पर ऑक्सीजन को सिर्फ 3 मिनट ही हटाते हैं तो जितने भी लोग आज जिंदा है वह सभी मर जाएंगे। इसलिए हमारी धरती पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसे हम 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए भी हटा नहीं सकते। फैक्ट नंबर 19, दोस्तों आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वह अपने लोगो ऐसे डिजाइन करती है कि वह लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। दोस्तों यदि हम लोग बात करें कोका कोला कंपनी की, तो कोका कोला कंपनी के लोगो में रेड कलर जो आपको दिखाई देता है, यह रेड कलर जो होता है यह लोगों को अट्रैक्ट करता है। रेड कलर जो है यह लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जाना जाता है, इसलिए कोका कोला कंपनी जो है यह रेड कलर अपने लोगों में इस्तेमाल करती है। दोस्तों यदि हम लोग बात करें मैकडोनल्ड की, तो मैकडोनल्ड अपने लोगों में येल्लो कलर इस्तेमाल करता है और यह जो येल्लो कलर होता है यह हैप्पीनेस और हंगर के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यदि हम लोग बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग के लोगों में आप लोग देखते होंगे ब्लू कलर, और ब्लू कलर जो है यह ट्रस्ट के लिए जाना जाता है। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यह साइंस से जुड़कर लोगों का निर्माण कराती है। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि जब बड़े बड़े होटल में आप लोग जाते हैं तो वहां पर कुछ डिम लाइट का प्रयोग किया जाता है। डिम लाइट इसलिए यूज में लाई जाती है जिससे आपका हंगर जो है यह और बढ़ जाता है, आपकी भूख बढ़ जाती है जिससे बिल भी जो है वह ज्यादा बढ़ जाता है। तो यह सब साइंस का ही लोचा है जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल में लाती है। फैक्ट नंबर 20, दोस्तों आप लोग ग्रीनलैंड का नाम सुनेंगे तो आपको लगता होगा कि वहां पर ग्रीनरी होगी, और यदि आइसलैंड में आपको कहूं तो आप लोग सोचे होंगे कि वहां पर बर्फ ज्यादा होगी। पर यदि रियलिटी की हम लोग बात करें तो ग्रीनलैंड कुछ इस तरह दिखाई देता है और साथ ही साथ आइसलैंड कुछ इस तरह दिखाई देता है। चौक गए ना दोस्तों आप लोग भी। फैक्ट नंबर 21, दोस्तों एवेंजर एंड गेम मूवी तो आप लोगों ने भी देखी होगी। एवेंजर एंड गेम मूवी का एक फेमस डायलॉग है जिसे आप लोगों ने भी सुना होगा, आई लव यू 3000। इसके पीछे एक रीजन है। दोस्तों MCU जो स्टूडियो का रन टाइम है उसके यदि आप लोग लिस्ट देखें तो उसका टोटल भी 3000 आता है। मतलब यदि हम लोग सभी मूवी मार्वल स्टूडियोज की काउंट करें तो उसके रन टाइम को जब आप टोटल करेंगे तो 3000 आता है। इसी वजह से इस डायलॉग में 3000 वर्ड को ऐड किया गया। यदि आप फैक्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 22, दोस्तों यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको काउंटिंग करना है और कंटिन्यूसली आपको काउंटिंग करना है तो आप 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग कर लेंगे, 1000 तक काउंटिंग कर लेंगे, 10000 तक भी आप पहुंच जाएंगे। यदि बात करूं तो थोड़ा दम लगा के आप 1,00,000 तक भी पहुंच जाएंगे। यदि बात करूं मैं आपको 1 बिलियन तक की, तो कोई भी इंसान लगातार 1 बिलियन तक काउंटिंग नहीं कर सकता। यदि 1 बिलियन के लिए वह पर सेकंड एक नंबर को भी काउंट करता है तो उसे 32 साल का समय लग जाएगा, जो इम्पॉसिबल है। यदि लग रहा है आपको तो आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 23, दोस्तों मून का जो फ्लैग है वह कुछ इस तरह था, पर वह प्रेजेंट टाइम की कंडीशन में सन के रेडिएशन की वजह से व्हाइट कलर का हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सन का रेडिएशन किसी को भी नहीं छोड़ता, कलर जो है वह पूरा उड़ जाता है। तो फ्लैग पहले ऐसा था, प्रेजेंट टाइम में व्हाइट कलर का फ्लैग हो चुका है। फैक्ट नंबर 24, दोस्तों हमारी आईज जो है यह कैमरे के मुताबिक सबसे सटीक विजन में आपको व्यू देती है। यदि आप लोग बात करें तो कैमरा हम लोग मेगापिक्सल में नापते हैं कि यह 1 मेगापिक्सल का कैमरा है, 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, 20 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि हमारी आंखें इतना जो क्लियरिटी में व्यू देती है वह आंखें कितने मेगापिक्सल की है। तो दोस्तों हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल की होती है, जो किसी भी रिसर्चर के द्वारा ऐसा कैमरा बना पाना इम्पॉसिबल है। दोस्तों हमारे गॉड के द्वारा 576 मेगापिक्सल की आंखें हमें दी गई है, जो एक कैमरा से बहुत ज्यादा क्लैरिटी में आपको विजन देती है, और ऐसा कैमरा बनाना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों आज 24 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए मैं लेके आया था। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ शेयर जरूर करना। यदि वीडियो अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। लास्ट तक वीडियो से बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।